प्रो पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी, मैं करण हांडा। वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे आप विधायक एक बार मुड़ तो चर्चा दे विच ने, पर इस बार एक मंदभागा कारण बनया जिस करके आप विधायक उगो के चर्चा दे विच आए ने। उगो के दे पिता दे नाल जुड़ी हुई मंदभागी खबर सामने आ रही है जिथे MLA लाभ सिंह उगो के दे पिता ने सल्फास खाधी है, उन्होंने आत्महत्या करन दी कोशिश की है, अजिही खबर निकल के सामने आ रही है। तो उन्होंने जड़ा की है जल्द तो जल्द हस्पताल पहुँचाया गया, DMC हस्पताल दे विच दाखल ने लाभ सिंह उगो के दे पिता, जिन्हां दी हालत इस वेले नाजुक बनी हुई है। तो जो जानकारी निकल के सामने आई है कि उगो के दे पिता परिवारक किसी मैंबर दे नाल कोई बहस हुंदी है जिस तो बाद मानसिक तौर पर परेशान हुंदे ने, ते उस तो बाद अजिहा मंदभागा कदम पुट्टिया गया। DMC हस्पताल दे विच उन्हां नूं इस वेले दाखल कराया गया जिथे वो जेरे इलाज ने। तो लाभ सिंह उगो के सब तो पहला चर्चा दे विच आए सी कि एक आम परिवार तो उठिया नौजवान भदौड़ तो जित हासिल करता है, तो हराउंदा भी किसनूं है, मात भी पाउंदा है। तो सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं मात पा दित्ती सी, ते उस तो बाद परिवार की कहानी भी लोगों सामने आई सी कि किवें लाभ सिंह उगो के दे माता जी जिहड़ा की है एक स्कूल दे विच सफाई कर्मचारी वजो काम करते सी, ते उस तो बाद भी अपने पुत दे विधायक बनन तो बाद भी मेहनत किरत नहीं छड्डी, अपना काम नहीं छड्डिया। पर हुण मंदभागी खबर सामने आ रही है जिथे आप विधायक दे पिता ने आत्महत्या करन दी कोशिश की है। जो जानकारी है कि सल्फास पी के जिहड़ा की है उन्हां दी हालत इस वेले नाजुक बनी हुई है, जेरे इलाज ने DMC हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया लाभ सिंह उगो के दे पिता नूं। जो जानकारी सामने आई है कि लाभ सिंह उगो के दे वड्डे भरा दे नाल किसे तरीके की कोई बहस हुई, परिवारक मैंबर दे नाल बहस होने की गल सामने आई कि जिस तों बाद अजिहा कदम उन्हां वल्लों पुट्टिया गया। तो इस बारे होर जानकारी भी लवांगे, मेरे साथी विक्रम जुड़नगे साडे नाल, तो उन्हां तों जाणांगे कि की कारण बने। विक्रम, जिस तरीके की मंदभागी खबर सामने आ रही है, की कारण है इस पिछे, की जानकारी है? ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਕਰਮ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? देखो करण, बहुत मंदभागी खबर निकल के सामने आ रही है। लाभ सिंह उगो के आम आदमी पार्टी के विधायक ने भदौर तो जिन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी होना हराया, और लाभ सिंह उगो के पिता जी ने दसा जा रहा है कि सल्फास खाधी है, और दसा जा रहा है कि कोई परिवारक मसला थी, परिवारक मसले को लेकर आपस के किसी के नाल बहस हुई परिवार के, क्योंकि लाभ सिंह उगो के तो चंडीगढ़ आए हुए थे और उन्होंने उस तो बाद पता लगता था, फिर इमीडिएटली इतों रवाना होंगे चंडीगढ़ तो, और DMC के दाखिल करवाया गया लाभ सिंह उगो के पिता जी, जिथे उन्हों की हालत जी है सीरियस बनी हुई है। दसा जा रहा है कि अफसर जिस तरीके साफ तौर पर DMC के फोन करवाया गया कि MLA के पिता आ रहे हैं या सल्फास खाती हुई एक पेशेंट आ रहा, उन्होंने इमीडिएटली एडमिट किया जाए। तो एक मंदभागी खबर कही जा सकती है करण की, उगो के MLA ने उन्होंने पिता ने खौफनाक कदम चुकया। दसा जा रहा है कि परिवार के किसी मैंबर के नाल ही बहस हुई थी उन्होंने, जिस तो बाद उगो के पिता जी ने सल्फास खाधा, और उगो के हुणा दे नाल भी साडी गल हुई, वो पहुंचे ने हॉस्पिटल, और इस वेले हालत इस वेले किस कहे जी है, स्टेबल हुई है हालत, कोई जानकारी आई है अपडेट इस दे बारे? करण, अजे यही है कि हालत उन्हां दी सीरियस बनी हुई है, बाकी डॉक्टर लगे ने क्योंकि इमीडिएटली उन्हां नूं हॉस्पिटल एडमिट करवा दिता गया, जिवें ही कोई अपडेट आउंदा है इस नूं, क्योंकि सल्फास एक सल्फास जदों बंदा जिन्ने भी पेशेंट हुण तक दे केस स्टडी है कि सल्फास खाधा तां चांसेस जिहड़े वैसे कहा जांदा घट हुंदे ने, पर फिर भी कोशिश हुंदी है कि ढो लग जाए, वधी नूं ढो लगता हुंदा, तां कोशिश है डॉक्टरां दी कि बचाया जा सके, उन्हां दी जान बचाई जा सके, डॉक्टरां दे वल्लों कोशिश जा रही है। और उगो के हुणां दे नाल वी साडी गल हुई तां मायूस नजर आ रहे सी, घबराए हुए नजर आ रहे सी, क्योंकि एक पिता दे बारे जदों पुत नूं पता लगदा कि वो इस हालत दे विच है, इस कंडीशन दे विच है, त
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ तमाम विधायक प्रोटेस्ट करने वास्ते पहुंचे हुए थे उत्थे लाभ सिंह उगो के भी पहुंचे हुए थे अज सवेरे ही मेरी उन्होंने गल भी हुई थी जो उगो के पहुंचे है प्रो पंजाब टीवी का इंटरव्यू भी करके गए ने और उस समय भी शायद उन्होंने जिस तरीके उस समय उन्होंने शायद इस गल का नहीं पता होगा कि वह तो चंडीगढ़ प्रोटेस्ट वास्ते आए हुए पर शाम तक की भाणा वापर जाना या शाम तक यहोजी खबर निकल के सामने आ जानी है तो हुण उस तो बाद जिवें उगो के फोन लग घरों सूचना मिलती है कि तुहाडे पिता जी ने सरपास खा लिया तो उस तो बाद जहरीली शह खाने की जो सूचना मिलती तो उस तो बाद जाते हैं और उन्होंने परिवारक मैंबर जिहड़े बाकी दे ने वह गड्डी दे विच लैके जाते एंबूलेंस दे विच लैके जाते डीएमसी उन्होंने पिता जी ने जिथे एडमिट करवाया जाता है और उत्थे लाभ सिंह उगो के भी हुण डीएमसी पहुंचे ने दस्सिया जा रहा तो डीएमसी दे विच दाखिल करवाया गया करन उगो के दे पिता जी ने जी जी विक्रम अपडेट थोड़े तो लेंदे रहांगे तां एक आम परिवार तो उठ्या नौजवान जिसने सूबे दे मुख्यमंत्री नू उस वेले दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नू चोणां दे विच मात पाई परिवार की कहानी भी सामने आई सी दृश्य सामने आई सी तस्वीरां सामने आईयां सी कि किवें एक किरती मां जो कि स्कूल दे विच सफाई कर्मचारी वजों काम करती सी अपने पुत दे विधायक बनन तो बाद भी वह काम जारी रखती है तो एक पासे परिवार की वह कहानी सी दूजे पासे अज जो मंदभागी खबर सामने आई है कि एम एल ए लाभ सिंह उगो के दे पिता वालों जिहड़ा की है सरफास कर दी गई है जिस तो बाद उन्होंने डीएमसी हस्पताल लैके जाया गया जिथे लगातार डॉक्टर्स की टीम उन्होंने हालत मोनीटर कर रही है सेहत का ध्यान रखा जा रहा पर हालत नाजुक बनी हुई है जो मंदभागी खबर जो जानकारी सामने आ रही है कि हालत नाजुक जरूर बनी हुई है तो एम एल ए लाभ सिंह उगो के भी खुद हुण हस्पताल पहुँच चुके ने अपने पिता दे कोल ने जिथे डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने सेहत दे विच सुधार आवे तां जो जानकारी सामने आई है उसने एक बार जरूर एम एल ए लाभ सिंह उगो के नूं भी जिहड़ा की है जरूर दहला दिता होगा क्योंकि चंडीगढ़ से जिथे इकट्ठ होया सी अज सियासी इकट्ठ सी शांति मार्च किया जा रहा है तो उस दे विच्चों एकदम उन्होंने एक खबर मिलती है तो फिर हुण हस्पताल पहुँचे ने जिथे उन्होंने पिता की हालत नाजुक बनी हुई है।